हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एंड डेली फ्यूचर। और इस वीडियो में मैं मयंक और आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग को। जी हां दोस्तों, उसके मैं आपको शॉर्ट समरी एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस वीडियो के लास्ट में आपको एग्ज़ाम के प्रोबेबल क्वेश्चंस दे दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको चैप्टर 1 की भी अगर समरी देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल में जाके क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाके आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले इसकी जो ऑथर है वो है एनिस जंग। मैं उनके बारे में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जो एनिस जंग एक इंडियन फीमेल ऑथर हैं और एक जर्नलिस्ट और एक कॉलमनिस्ट हैं, ठीक है। और वो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़पेपर्स लिखती थी इंडिया में भी और इंडिया के अब्रॉड में भी। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रोरेलका में, और वो बिलोंग करती थी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से, हैदराबाद से। और जो उनके फादर हैं उनका जो नाम है नवाब होशियार वंग, वो भी एक रिनाउंड स्कॉलर और पोइट थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं इस चैप्टर के आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये चैप्टर 2 पार्ट में, जो कि एक साहिब की स्टोरी रहती है और एक मुकेश की स्टोरी रहती है। तो सबसे पहले होता है कि साहिब नाम के एक लड़के से जो राइटर है हर सुबह अपने पड़ोस में मतलब देखती है, और जो लड़का होता है वो कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्के या कुछ और सामान के लिए खोजता रहता है। और उसके बाद जब एक दिन जो राइटर है वो लड़के के साथ बात करती है, मतलब वो साहिब से बात करती है, तो उसको पता चलता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं और उनके जो जितने जो होम्स थे, फील्ड्स थे, मतलब कि उनके जो खेत थे वो और घर थे जो तूफानों में बह गए थे, और उनके पास अब जो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो इस बड़े नगर में आए हो जो कि है दिल्ली। और उसके बाद जो राइटर होती है वो साहेब से कहती है कि उसे स्कूल जाने का मतलब स्कूल जाना चाहिए। तो साहेब ने भी कह दिया कि वो उसके नेबरहुड में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। और इस पर जो राइटर है वो थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि यदि मैं स्कूल एक खोल दूं तो क्या तुम आओगे। तो साहेब ने भी अच्छे साहेब काफ़ी एक्साइटेड हो गया और वो कह दिया कि हाँ वो आएगा। बट लेखिका को थोड़ा सा एम्बैरस्ड होना पड़ा, थोड़ा सा लज्जित होना पड़ा, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद फिर से साहेब उनसे मिलता है और वो पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। तो वो वास्तव में वो इसी लिए लेखिका काफ़ी एम्बैरस्ड हो जाती है, और वास्तव में जो लेखिका का ऐसे कहने का कोई भाव नहीं था, मतलब कि लेखिका कुछ मजाक नहीं कर रही थी, उसका कोई ऐसा मतलब नहीं था कि वो ऐसे करना चाहिए। और जो है वहाँ पे साहेब के जैसे काफ़ी अधिक मतलब साहेब के जैसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा जिसे कूड़े जो गार्बेज होते हैं उसको बीनते थे। और वहाँ पे कुछ ही महीने में जो राइटर होती है उनमें से सारे लोगों को वो जानने लगती है, मतलब ये पहचानने लगती है, और वे सभी जो हैं बेयर फुट होते हैं, मतलब कि बिना चप्पल के होते हैं, मतलब कि नंगे पाँव होते हैं वो लड़के होते हैं। और उसमें से कुछ लोगों में नंगे पाँव घूमने की मतलब एक तरह से जो परंपरा चली आ रही है, मतलब कि जो ट्रेडिशन चली आ रही है, और वो शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी गरीबी को छिपाने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमारे राइटर जो कि एनिस जंग ने हमें बताई है। और फिर जो है राइटर को पता चलता है कि ये सभी जो नंगे पाँव जो मतलब जो बेयर फुट हैं, जो कि जो रैग पिकर्स मतलब कि जो कूड़ा को जो बटोरते हैं, वो सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में है, इस्टेब्लिश है। और जब वो जाती है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये लोग 1971 में ये लोग बांग्लादेश से आए थे और अपने भोजन की तलाश में यहीं रहने लगे, और वह उन्हें लगभग उनमें से 10,000 लोग थे, और वे मिट्टी के बने एक ढांचे में रहते थे जिनके ऊपर 3 और तिपात की छतें हैं, और वे यहाँ मल प्रभाव नालियाँ अथवा नल के पानी के बिना किसी सुविधा के रहते हैं। ये सब वहाँ की जो सिस्टमेटिक वहाँ पे लोग सीमापुरी में जिस तरह से रहते थे वहाँ पे इन लोगों ने ये डिटेल हमें बताया कि वो लोग की कैसे हालत थी, वो लोग कैसे वहाँ पे रहते थे, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे उन लोग के मिलती थी, कि ड्रेनेज नहीं था, रनिंग वाटर नहीं था, स्वेज नहीं था, टीन टारपोलिन कुछ वहाँ पे नहीं था। और उसके बाद और साहेब जो है राइटर को बताता है कि कई बार जो है उसे गार्बेज में से 1 रुपये या 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं, और इसी तरह वो कूड़ा उन बच्चों की छोटे छोटे बच्चों के लिए एक लिपटी हुई कोई चीज़ बन जाती है, मतलब कि वो काफ़ी उसमें हमेशा जाके कुछ लालच हो जाती है कि उसमें कुछ नहीं मिलेगा। और वो आयु मतलब एज में बड़े लोगों के लिए इसका अर्थ जीवित रहने का एक साधन है।
और इसी तरह जो ठंडी में भी, ठंडी की सुबह एक दिन लेखिका जो है, मतलब कि जो राइटर है, वो साहेब को सुबह टेनिस का खेल देखते पाती है और वो साहेब उनसे कहता है कि वह इस खेल को पसंद करता है और उसने टेनिस के जूते पहने हुए किसी अमीर लड़कों के उतार फेंके हैं और उसे दे दिए हैं। लेकिन जब वह खेल जो वह देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है और साहेब जो है, उसके बाद बताती है राइटर हमें कि जो साहेब है वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है और उसे वहाँ पे 800 रुपये और हर बार का एक भोजन दिया जाता है। लेकिन अब साहेब जो है स्वतंत्र नहीं है, मतलब कि फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है उसके पास, वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा है। इसका मतलब ये राइटर ये बताना चाहती है कि वो जो गार्बेज डम्प्स को जो अपने शोल्डर पे रखता था, जो उसके थैले को, वो उसका था, लेकिन जो भी स्टील कैनिस्टर होता है वो साहेब का नहीं होता है, ये उस टी शॉप के मालिक का होता है जिसके वहाँ वो काम करता है। और फिर इसके बाद से स्टार्ट होता है इस बुक का पार्ट टू, जो कि एक मुकेश की स्टोरी है। तो ये मुकेश की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि जो राइटर है एक बार मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती है और जो लड़का है वो फिरोजाबाद में रहता है और वो बैंगल्स बनाने वाले एक परिवार में से बिलोंग करता है। और वो मुकेश कहता है कि वो अपने फैमिली वाला जो बिजनेस है वो करना नहीं चाहता है और उसे एक मोटर मैकेनिक बनने का मन बना रखा है। ये बात उसे मुकेश बताता है राइटर को। और फिर फिरोजाबाद में जो भी हर दूसरा जो फैमिली है वो बैंगल्स बनाने के वर्क में लगा हुआ है और यह इंडिया में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक सेंटर है और यहाँ पे जितने जो फैमिलीज है वो चूड़ियाँ बनाने में अपनी कितनी जनरेशन यहाँ पे व्यतीत कर दी है, यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज है। और जो है जो फिरोजाबाद में जो शीशा की जो भट्टियाँ होती है वहाँ पे लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं और उन्हें बहुत अस्वस्थ हालतों में काम करना पड़ता है और जो उनके जो पेरेंट्स हैं ये नहीं जानते हैं कि ऐसी जगहों पर वे काम करवाना गैर कानूनी है, मतलब कि इलीगल है। और मुकेश जो है वो राइटर को अपने घर ले जाने की बात करता है और वह गर्व सहित कहता है कि उनका मकान दोबारा बाया जा रहा है। और जब राइटर वहाँ जाती है तो वो देखती है कि यहाँ एक आधी एक झोपड़ी है और वो अंदर की तरफ वो हर जगह गरीबी के सिंबल्स हैं और एक पतली सी एक जो एक लंबी औरत है, मतलब कि जो यंग औरत है वो एक सयंग काल का भोजन पका रही है, मतलब कि रात के खाने बना रही है, मतलब कि वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है और वह मुकेश का फादर भी वहाँ पे है और वह वर्षों से काफ़ी कठिन परिश्रम करता आ रहा है। और पहले जब वह एक टेलर का काम करता था और फिर वह चूड़िया बनाने का, तो भी वह अपने घर को ठीक ठाक करवाने में असफल रहा है और वह अपने दोनों बेटों को भी स्कूल नहीं भेज सका और वह उन्हें केवल चूड़ियाँ बनाने का काम ही सिखा सका है। और फिर वहाँ मुकेश की जो दादी है वो कहती है कि यह सब उनके भाग्य में है और उसका जो हस्बैंड है वो चूड़ियों को पॉलिश करने से जो उड़ने वाली धूल से वो अंधा हो गया है, मतलब कि वो ब्लाइंड हो गया है। और वह कहती हैं कि उनका जन्म चूड़ियाँ बनाने वालों की ही जात में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन में चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा है। और वह इस तरह के सभी फैमिली में लड़कों या लड़कियों को अपने पिता और माता से मिलकर काम करना पड़ता है और उन्हें अंधेरी झोपड़ियों में भी काम करना पड़ता है और उनकी आंखें बाहर की रोशनी की जो अपेक्षा अंधेरे की ज़्यादा आदी हो जाती है। इस तरह से वो यंग होने से पहले ही अपनी आंखों की जो रोशनी है उसको वो खो देते हैं। और फिर जो है जो राइटर है वो एक किसी अलग झोपड़ी में जो है एक सविता नाम की एक जो लड़की है वो उसको देखती है और वह एक बुजुर्ग औरत के साथ बैठी हुई थी और वह शीशे के जो टुकड़े हैं उसको जोड़ रही थी और वह ये नहीं जानते कि जो चूड़िया वह बना रही है वह एक इंडियन वुमेन के सुहाग का चिन्ह है और उसके मुश्किल से बगल में जो बैठी बूढ़ी है औरत है उसकी कलाई पर अब भी चूड़ियाँ हैं,
बट उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। और वो कहती थी कि उसने अपने पूरे लाइफ में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया है। और उसका जो बूढ़ा पति है वो भी कहता है कि वो चूड़ियों के अलावा किसी अन्य चीज़ों के बारे में भी नहीं जानता है। बट फिर भी उसे यह कहने में कुछ तसल्ली मिलती है कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए घर बनावा लिया है। और ये बात वो वुमेन्स कहती है। और फिर से जो राइटर है वो कहती है कि जो फिरोजाबाद के जो गरीबी की जो चीख है वो हर घर में सुने सुनाई देती है। और इन गरीब लोगों का जो शोषण है, मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन है, वो कौन करता है? वो साहूकार, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस करते हैं। और वे अपनी गरीबी और शोषण को साधारण बात मानने लगे हैं। और जो राइटर है उसको इस बात से प्रसन्न होती है, वो मतलब कि हैप्पी होती है कि जो मुकेश है नो अपने ये जो क्रूचक से, मतलब कि जो उसकी जो उस पर जो एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उसको जो उस पर डाला जा रहा है, उसे वो बाहर निकलने के निश्चय कर लिया है। और उसने ये जो डिसीजन है वो कर लिया है कि वो एक गैरेज में जाएगा और वो वहाँ जाकर एक मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। और इस तरह से वो अपना स्वामी बन पाएगा, मतलब कि वो अपने खुद का एक गैरेज खोलेगा और उसका ओन मास्टर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ख़त्म होती है ये चैप्टर, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1, पार्ट 2। तो इसके बाद से आप अपने आपको मैं क्वेश्चन एग्ज़ाम पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रोबेबली पूछे गए हैं वो दे देता हूँ, और इसको देख के आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर नया चैनल है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर जीके में प्रॉब्लम है तो उसको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जीके क्वेश्चन जो आपको एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, SSC एग्जाम्स के क्वेश्चन चाहिए वो भी आपको मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और जो अन्य अगर आपको कुछ जैसे टिप्स चाहिए तो भी मेरे आपको प्ले लिस्ट में गो थ्रू कर सकते हो। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्लास 12 के साथ।